भाजपा की केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा के चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली रविवार को शहर खरगोन पहुंचे। मंत्री ने पीएम आवास के तहत दामखेड़ा स्थित मल्टी पहुंचे, जहां निवासरत परिवारों से मुलाकात की। मंत्री तेली ने कहा कि भाजपा के लिए विकास कार्य तीर्थ के समान है और उसी तीर्थ के दर्शन करने आया हूं। मंत्री ने परिवारों से कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि हर गरीब का अपना खुद का मकान हो और वह सपना पीएम आवास के जरिए पूरा हो रहा है। मंत्री आवास में रहने वाली रेखा यादव के आवास पर भी गए। रहवासियों ने पीएम आवास योजना के लिए आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने परिसर में पौधारोपण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। वर्तमान में भारत सरकार में पेट्रोलियम नेचुरल गैस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग के मैं राज्य मंत्री हूँ, तो आप लोग से मिलने के लिए आया था और आप लोग यहाँ पे इतना गर्मी है, मेरा वहाँ ठंड रहते हैं। आज मैंने घर से मुझे टेलीफोन किया था कि आज 3 जिसमें मैं पूरा पार्लियामेंट 8 विधानसभा लेके बड़ी एक जनसभा होगी, उसमें मुझे रहना है और शायद हमारी कोई केंद्रीय मंत्री रहेगी। इस तरह से हमारी जो विकास तीर्थ है, जहाँ जहाँ विकास हुई है, ऐसे हम करीब 4 स्थान पर जाएंगे। उस तरह से आज इस जगह में के अंतर्गत हमारी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के द्वारा करीब 696 ये आवास बनाए गए हैं और हमारी सांसद गजेंद्र पटेल जी ने मुझे बताया कि सभी को अलॉट कर दिया गया है। और आप लोग मालूम है, इस तरह से भारत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घर पूरा भारत में हम मना रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ आने का कारण हमारे विधायक जी आप लोगों ने कहा कि हमारी पार्टी ने कहा है कि जहां जहां हमारे विकास की काम हो रही है वहां वहां कुछ मंत्रियों को भेजा गया है, क्योंकि हमारी 1 महीना की प्रोग्राम है। हम अभी कुछ देर पहले जो प्रभावी व्यक्ति हैं कोई गांव में कोई शहर में, ऐसे लोगों के साथ मिलना है। हम लोग अभी जो हमारी सार्किज हाउस में हम उन लोगों से हम लोग मिले थे और अभी यहाँ हम प्रोग्राम बनाया है जो 30 मई से 30 जून तक चलेगी और उसमें मैं आज खरगोन लोकसभा में मैं उपस्थित हूँ और इससे पहले कुछ देर पहले मैं सर्किट हाउस में जो प्रभाव वाली व्यक्ति है उन लोगों से मैं मिला और उनसे इस लोकसभा के बारे में जानने की कोशिश किया। उन लोगों ने अपनी अपनी समस्याएँ बताई, उसके बाद मैं यहाँ उपस्थित हूँ जो खरगोन हमारे जो नगर पालिका के अंदर आती है। यहाँ करीब 696 घर बनाया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के द्वारा और मैं बाहर से तो बहुत सुंदर देख रहा हूँ और जरूर मैं कोशिश करूँगा अंदर में जाने की। जो लाभार्थी हैं, जिन लोगों को ये घर मिला है, उन लोगों से मैंने बात किया, उन लोग बहुत खुश हैं और हमारी भारत के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि हम जो गरीब जो व्यक्ति हैं उसको हम प्रधानमंत्री आवास शहरी घर दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण घर दें, इस तरह भारत में हम घर दे रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से कहा गया है जहाँ जहाँ विकास के काम हो रहे हैं वहाँ हमारी मंत्री हमारे सांसद जाना चाहिए, वहाँ जो लाभार्थी हैं उनसे मिलना चाहिए। इसी तरह से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ और मैं लाभार्थियों से मिला और मैं बहुत खुश हूँ और मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां के प्रशासन को खूब सुंदर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को बनाया गया, क्योंकि
आसाम में भी इस तरह से बनाया गया है। मैंने गया था देखने के लिए, अलॉटमेंट करते समय मैं उपस्थित था। मैं मुंबई भी अभी कुछ दिन पहले गया था, वहाँ भी देखा मैं प्रधानमंत्री आवास योजना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।